इस्लामिया कॉलेज श्रीनगर से मैंने बीएससी कंप्लीट किया। उसके बाद मैं फ़र्दर स्टडीज़ करना चाहता था, तो सबको पता है यहाँ हालात बहुत ख़राब रहती थी। जब से 370 आर्टिकल हुआ ज़्यादातर तब से हालात ख़राब है, और कोविड पेंडेमिक था, तो फिर मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा उतना पढ़ाई के साथ। तो फिर मैं सभी घर में ही बैठे रहते थे, तो अपना टाइम वेस्ट होता रहता था। मैं चाहता था कि मैं अपना टाइम किसी अच्छे काम के लिए यूटिलाइज़ करूं, क्योंकि बाहर से मैं जब निकलता था तो बहुत सारे गेम्स के साथ बिजी रहते थे, गलत गलत कामों में इन्वॉल्व होते थे, अपना टाइम बेकार होते थे, तो अपना टाइम ज़ाया होता था। तो मैं सोच रहा था तो अपनी जगह के मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ, तो अपना टाइम किसी अच्छे काम के लिए यूटिलाइज़ करूँ। फिर मुझे सडनली दिमाग में आया कि मैं कुरान शरीफ लिखूँ। पहले पहले मुझे बहुत सारे पारों में गलत पेजेस हुए, मुझे फिर पेशेंस नहीं रहा लिखने का, मैंने सोचा कि मैं नहीं लिख पाऊँगा। फिर मैंने माँ बाप से बात की तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं आप लिखो, ये क्यों नहीं लिख सकते, अच्छा काम है, ये आप पूरा करो। तो मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं कुरान शरीफ लिख रहा हूँ, सिर्फ मैंने घर वालों को बताया था और मेरी नानी है उसको बताया था। तो मैंने उनको बता के रखा था कि किसी को ना बताए, क्या पता मैं लिख पाऊँगा कि नहीं, अगर नहीं लिख पाऊँगा तो क्या पता मजाक मत ना बनाएंगे। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट किया। पहले पहले पारों में मुझे बहुत सारे पेज गलत हुए, फिर तो मुझे एक साइड से लिखने में पूरा एक घंटा लगता था लिखने में। फिर जो ही आगे आगे बढ़ते गए तो मुझे इम्प्रूवमेंट हुई।